हम लोग राजद परिवार से लोग हैं, हम लोग का जो पार्टी है हमको सुनने के लिए तैयारी नहीं है। आज सरपंच साहब की बात मामला है, सरपंच साहब के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अतिक्रमण बिहार सरकार का अतिक्रमण था, जो सीओ साहब, पुलिस पदाधिकारी, डंडा अधिकारी, गाय घाट सीओ साहब सब जा करके उसको अतिक्रमण समाप्त कर दिए। अतिक्रमण समाप्त करने के बाद हमारे यहाँ सीओ साहब पहुँचे और कहे कि कुछ खर्च वर्च दीजिए। तो खर्च वर्च क्या, तो 50,000 रुपया दीजिए। उनको बहुत सारा इधर उधर देना पड़ता है। उनका सर हम गरीब आदमी हैं, 50,000 रुपया कहाँ से देंगे, वर्तमान सरपंच हैं हम, लोगों को सेवा में लगे रहते हैं, एक रुपया तो कहीं से कम आमदनी नहीं है। तो पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका मकान तो फिर से दोबारा टूटेगा। तो सर ऐसा नहीं कीजिए, मकान आप चिन्हित पर से पूरा फाइनल कर चुके हैं, आप हमको लिखित आपका जो है गायघाट सीओ साहब, कटरा सीओ साहब, पुलिस पदाधिकारी, सारे लोग, सीआई, सब लोग आप जना दिए हैं कि अतिक्रमण आज के डेट में मुक्त कर दिया गया, खाली करा दिया गया। कितने दिन पहले खाली करा दिया? बस 17 तारीख को, 17/6 का। कितने दिन के बाद फिर से आपको? और 23/6 को हमको नोटिस दे रहे हैं कि फिर से खाली करा, कि फिर से आपको खाली कराना है। और 22 को हमारे यहाँ आए हुए थे मोटरसाइकिल से अकेला, 22/6 को है ना। और इसके बाद 22/6 को जो पैसा वाला मैटर चला कि हमको दीजिए, हम कहे हम नहीं देंगे, हम गरीब आदमी, तो फिर 23/6 को हमारे यहाँ दोबारा नोटिस पहुँचा दिए कि 4 फीट आपको तोड़ना है। क्या वो निजी है या फिर सरकारी जमीन? नहीं, हमारा निजी जमीन है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि निजी जमीन को जो तोड़िएगा तो इससे पहले आप नापी करा लीजिए, और नापी के आधार पर यदि हम में पड़ता है तो आप क्या तोड़िएगा, हम खुद तोड़ देंगे। बस एक दिन का समय दीजिएगा, हम तोड़ देंगे। क्या आश्वासन दिए आपको? आश्वासन दिए कि कोई नापी जोखी नहीं होगा, नापी जोखी नहीं होगा, नहीं होगा, हम उसको तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। इससे पहले जो आपका अतिक्रमण हटाया गया था जी, क्या उसमें भी नापी जोखी हुआ था अथवा नहीं हुआ? नापी जोखी तो 4 बार हो गया, लेकिन चारों बार नापी को वो नहीं माने। जो 12 साल पहले नापी हुआ था, गलत नापी, उस नापी के आधार से हमारा मकान तोड़ दिया है। फिर भी हम मान लिया कि चलो भाई तोड़ दिया, लेकिन या वर्तमान नापी के हिसाब से तो मात्र 1.5 से 2 फीट हम हमारे मकान में जा रहा था, लेकिन ये 2012 में नापी हुआ था, उसमें भी हम मकान हमको तोड़वाए हुए थे, है ना। लेकिन फिर इधर आकर के उसी नापी के हिसाब से जहाँ से चिन्हित था उसको खाली करवा दिए। और पैसा के लिए जब हम कहे कि पैसा आपको नहीं देंगे, इसके चलते वो फिर से हमको 23/6 को फिर से नोटिस जारी कर दिए। फिर नापी होना चाहिए ना? हाँ, तो हमारा वही कहना है, इसके लिए नापी के लिए निवेदन करने गए हम कल डीएम साहब से मुजफ्फरपुर गए, उनको आवेदन रिसीव करवाए, लेकिन हम कहे मिलेंगे उनसे, शाम हो गया बैठे बैठे, कोई कारण बस उस दिन डीएम साहब नहीं पहुँचे। तो हम लोग उस जगह मीडिया लोग थे, उस मीडिया में अपना सूचना सारी बात को कह करके और हम वहाँ से हम लोग चल दिए। लेकिन अब अतिक्रमण है ना, वहाँ जो भी टूटेगा मेरा निजी जमीन टूटेगा, निजी टूटेगा, काश्तकारी टूटेगा, है ना। अब वर्तमान में हम सरपंच है, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता को क्या होगा, उसका कौन भलाई करेगा? हो सकता है उसको घर थल्ला मार के ही भगा दे वहाँ से, जब हमको थल्ला मार के भगाया जा रहा है, हम वर्तमान सरपंच है तो आम जनता का क्या हाल होगा? आज का यही कानून है, यही व्यवस्था है जिस पर हम लोग जूझ रहे हैं, मर रहे हैं। तो कल अतिक्रमण जो आप कह रहा है ये खाली करवाएंगे, जबकि वो आपकी निजी संपत्ति है, तो फिर आप कल क्या करने जा रहे हैं? जी, अब जब वहाँ वो लोग पहुँचेंगे तो हम करेंगे क्या, हम उन लोगों से निवेदन करेंगे कि आप नापी कर लीजिए, आपका जहाँ से जमीन है 1 इंच हम नहीं रखेंगे, आप खाली कर लीजिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम सुफल राय, ग्राम बकोरी, जजुआर पूर्वी पंचायत, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर, वर्तमान सरपंच श्री। हम जिस सरपंच साहब के जहाँ जो बात कहे हैं, उस ग्राम में बकोरी में 4 नंबर वार्ड के हम ग्राम जनता हैं। इस एक बात को हमको समझ में नहीं आ रहा है इस सरकार का व्यवस्था के, कि एक बार पहला नापी हुआ जिसमें कटरा सीओ
और अमीन दोनों नापा। नापने के बावजूद उन्हें वो जो राम सुफल राय का जो घर में चिन्ह में 3 फीट मात्र निकला, लोट की जमीन मात्र 3 फीट निकला भूअर्जन की जमीन। तो सीओ साहब किसकी दबाव में न किसकी दबाव में कि लालच में कि क्या में ये कहा कि यह अमीन गलत, ये अमीन गलत है मेरा अमीन। तो अमीन आया कहां से? गाय घाट से सीओ आया, अमीन आया, नापा गया गाय घाट का सीओ अमीन, कटरा का गाय घाट सीओ अमीन, ये दोनों का उपस्थिति में नापा गया। नापने पर वही उतरा जो पहले 3 फीट निकला था, वही वही उतरा। अच्छा, तो पहले जो अमीन जो नापी किया गया कटरा को, कटरा को सीएम उतरा। तो अब कोई से कौन कहा, ये भी कहा कि ये भी अमीन गलत है, ये भी अमीन गलत। तो फिर क्या हुआ? फिर जिला से भूअर्जन से एसी साहब के आदेश अनुसार 3 भूअर्जन अमीन आया, कटरा सीओ, गाय घाट सीओ, गाय घाट अमीन, ग्रामीणों प्राइवेट अमीन, सब 10 अमीन था। 10 अमीन ने नापा, जो उस दिन नापा गया तो उस दिन राम सुफल में 1.5 फीट पक्का में निकला भूअर्जन की जगह, 1.5 फीट मात्र निकला। तो ये लोग हो गए बक, जो उनका सीओ साहब का साइड से लेकर के जो बरस रहे हैं अभी तक वो हो गया गम। कहा क्या रे, ये तो सीओ आदि एसी साहब को खरीद लिया, डीसीएलआर को खरीद लिया, एसडीओ को खरीद लिया, राम सुफल को कहा गया कि आप इतना पैसा वाला दबंग है कि आप उनको सबको आप खरीद लिए। उसका अमीन को नहीं माना गया, कहा कि ये भी गलत है। तब क्या हुआ? तब यही हुआ जो मरा हुआ जो 2012 में नापा, 8 में नापा, मरा हुआ जो बेसुधी लोग थे उस अमीन को माना गया। क्यों? उस समय में 6 फीट राम सुफल में निकलता था, उस समय में 6 फीट निकलता था, ये लोग नापा था 2 फीट 3 फीट। तो इनका तो राम सुफल को तो गरीब समझ के उन्होंने उनको हम नाम लेना नहीं चाहता है। राजा होता है क्या? राजा का होता है राजा नीति होता है, राजा विचार होता है। किसी गरीब को उपहार देना, गरीब क्या मकान क्या होता है? मंदिर होता है, मस्जिद होता है। वैसे वैसे लोगों को राजा बना दिया, वैसे राजा आदमी क्या कर रहा है? काल फोर्स लेकर के जिला से फोर्स, कहां से फोर्स, वो जमीन उनका निजी है। मैंने 6 फीट तोड़ दिया। तोड़ने की बाद सीआई साहब, कटरा सीआई, कर्मचारी सीओ गाय घाट, सीओ कर्मचारी अमीन साहब, ये लोग और ग्रामीण उपस्थित और क्या कहते हैं थाना प्रभारी पुलिस विभाग के सबको समक्ष अतिक्रमण मुक्त किया गया। चिन्ह लगा हुआ को तोड़ा गया, जो लिखित में है, जो प्रमाणित है, आपको दिया गया है, आपको आपको सरपंच साहब द्वारा आपको दिया गया है। ऐसे स्थिति में सुनिए, ऐसे स्थिति में देखिए, जो देखा जाए इनका प्रमाण या देखा जाए आज कैसा सीओ साहब है, निपुंसक, निपुंसक सरकार का सीओ साहब। कर्मचारी को कहता है, अमीन को कहता है गलत नापा, अमीन कहता है गलत है। जो प्रमाणित देख लिया जाए, यह मुक्त का, यह मुक्त का दिया हुआ है, देखिए भाई, यह मुक्त किया हुआ 17 तारीख को मुक्त किए हुआ है, सबको साइन है, सीओ के साइन है, कटरा सीओ, गाय घाट सीओ, सबको साइन है, या दोनों पक्ष की राम सुफल राय, सुरेश राय, जतिंदर राय, सबको उपस्थिति में सबको यहाँ दस्तखत है, निशान है, ग्रामीणों के बहुत है, वैसे बहुत है, कहाँ तक रखा जाए। इसका बाद मुक्त किया गया, यह कौन कानून है जो मुजफ्फरपुर में जमा कर दिया सीओ साहब? आज कहता है अंश है। अरे कौन अंश है भाई? आपको नापिएगा तब ना अंश निकलेगा। वहाँ तो 80 डिसमिल का रकबा के जमीन है, वह बिहार सरकार का जमीन 80 डिसमिल का जमीन है, तो अंश अंश तो लिखाएगा, अंश तो आप तोड़े हैं, अंश आपने तोड़ा है, तो अंश आप निकालिएगा तो मुक्त कर दिए। तो आपको प्रमाण है, लिख दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। राम सुफल राय यहाँ मोटरसाइकिल से आया, यह प्रमाणित बात है, हम लोग भी देखा। राम सुफल यहाँ आया, सीओ साहब क्या फुदूर फुदूर बतियाया नहीं बतियाया ये हम नहीं जाने, मोटरसाइकिल से आए थे सीओ साहब, कटरा सीओ, तो हम लोग देखे इनको बैठा हुआ है।
लेकिन बात से स्वभाव से लगा कि पैसे मांग रहा है, ये भी बात लगा। तो जब देखा कि पैसे मांग रहा है तो वहां से वो चले आए। जब चले आए तो फिर से कहा कि बिहान भी नोटिस जा रहा है। नोटिस कौन नोटिस जा रहा है? 4 फीट तोड़ना है। अरे 4 फीट कैसे तोड़ना है आपका? ना नापे हैं, ना आप चिन्हित है। जो चिन्ह था सोधा तोड़ लिए, जो आपको चिन्ह मिला सोधा तोड़ लिए। आप 4 फीट कौन चिन्ह है? वह माँ अति अति सीओ साहब चमुंडा स्थान पर क्रिया खा के कहे कि हमारे तरफ से कोई प्रेशर है कि किसी को हम दबाव में जा रहे हैं कि ईमानदारी है। सीओ साहब सबको होता है, नीति होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए सरकार को। ऐसे सर ऐसे जो अभी चल रहा है, जब मरा हुआ को माना गया 2012 के 8 के अमीन को, तो ये अभी जो अमीन नापा है सब गलत है, सब गलत नापी करता है। इसका मतलब गलत सरकार पैसा दे रहा है, क्यों उसको रखा गया है? ऐसे अमीनों को उसको हटाया जाए, उसको पेमेंट नहीं रखा जाए। आज जब रख रहा है सरकार, तो सरकार का दूहरी रंग की नीति है। माने सरकार का नापे दोसर अमीन, और माने ग्रामीणों का नापे दोसर अमीन, गलती करे तेसर अमीन। यह देखा जाए यह सरकार का भी यह अच्छा व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? जब राजा का नीति ऐसा जो गंदा नीति है, तो गरीब का कल्याण इस सरकार में होने वाला नहीं है। आज सरपंच साहब की बात मामला है, सरपंच साहब के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। काश तो बिहार सरकार जो था सो चिन्ह लगा हुआ था तोड़ लिया, ये तो तोड़ लिया। अब जो तोड़ने की बात आया, कल साहब सब लोग जा रहे हैं, साहब से आग्रह है कि साहब आप लोग आग्रह से हम ग्रामीणों से आग्रह है या इस जमीन को आप नापी किया जाए। अगर निकल रहा है तो आप तोड़ दीजिए, अगर नहीं निकलता है तो वैसे गरीब की हाँ वैसे आदमी गरीब आदमी यहाँ आप इतनी बड़ी हत्या मत कीजिएगा कि न कि उनका पत्नी हार्ट का शिकायत है, उनकी माँ हार्ट और चीनी का बीमारी है, न जाने के दोनों मर जाएगी इसी स्थिति में है। तो आप न्यायाधीश जा रहे हैं, मानसमान मालूम हुआ है कि न्यायाधीश जा रहे हैं, तो न्यायाधीश गलत नहीं करेंगे। ये विश्वास है कि नापी करावेंगे, और नापी कराने के बाद हम लोग को संतोष करावेंगे और उनका ग्रामीण को संतोष करावेंगे। हम लोग के धन्यवाद इसी बात का, अपनी बात विराम लेता हूँ। लेकिन एक बात छूट गया था, यही बात चल रहा था अंग्रेज के समय में, जो महात्मा गांधी को आजादी दिलाने के लिए वह उस समय में माने बड़े 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 नेता आदमी देश के आजाद कराने के लिए त्याग हुए, शहीद हुए, जिनका नाम पर पूजा हो रहा। अभी का ऐसा नेता है गरीबों का खून चूसने वाला है, गरीबों का तबाह करने वाला है, उसी जगह क्या है? राजा आदमी को सपोर्ट कर रहा है, राजा आदमी को चलते गरीब वहां को पट रहा है। हो सकता है कि यह अगर घटना घटा तो इस गांव से उस हम लोग का गांव में अनपीढ़ी कितना घटेगा, इनका कहने में मुश्किल है। पर्ची मेरा नाम हुआ रामनेक, मेरा घर हुआ बकोरी, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। हम लोग राजद परिवार से लोग है, राजद परिवार के लोग के चलते ये जो राजा है तो हमको लोग तबाह कर रहा है। हमको और राजा हम लोग का जो पार्टी है हमको सुनने के लिए तैयारी नहीं है। उस कौन दिन में हमको राजद का आदमी काम देगा? आज हम लोग का कोई दुख सुख बुझने वाला नहीं है। आज बीजेपी का सरकार हो गया है, नीचा है ऊपर है। आज गरीब को देखिए प्रमाण देंगे, कल तब इसका प्रमाण देंगे उसमें निकलता है कि जो कुछ नापी हो। अगर जो कुछ नापी हो जाए तो प्रमाणित दिया जाएगा यह बीजेपी का जो नेता है, जो हम लोग का जो सता रहा है गरीब आदमी के। जब गरीब को सता रहा है तो कल भट खुल जाएगा, जो कुछ नापी होगा तब। अगर नहीं नापी होगा, मुख्य कानून है अब पावर में है, किसी गरीब को बुलडोजर से बर्बाद कर दीजिए, 302 में खून कर दीजिए, ये आपको चलेगा, ये आपको चलेगा। अब पैसे वाला है, अब कोर्ट भी खरीद लीजिएगा, सब कुछ खरीद लीजिएगा। लेकिन एक बात, महात्मा गांधी कहे थे नीति को मरते काल में बदलना नहीं। महात्मा गांधी कहे थे कि नीति को बदलना नहीं। आज उनका नाम है, रुपया में नाम है। क्यों? इसलिए नाम है कि वह उनका कर्तव्य निवाहा, वह उनका त्याग हुआ। जैसे कि हम लोग का राजा होता है, राजा की नीति होता है कि कोई दुख है में है कि क्या सुख में है, उसको न्याय करना। राजा को मतलब है न्याय करना। तो कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, हमारे गांव का विधायक है, मंत्री है, क्या हम उनको कह दे उंगली बसा दे ब्राह्मी काट लेगा? राजा का ही काम नहीं है। राजा का काम है क्षमा करना। कोई गलती कर दिया तो उसको काम है क्षमा करना। ऐसे उपद्रव नहीं करना कि घर गुजार दो तो ऐसे कर दो तो वैसे कर दो, या नीति नहीं करता।
भगवान इस बात को नहीं मानेगा। भगवान जब मानेगा कि जब दया आपके भीतर ही बैसेगा तब